असम में पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के चर्ची में 17 अक्टूबर 2005 के दिन सुबह में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 41 निर्दोष कार्बी लोगों की निर्मम हत्या कुछ अनजान लोगों ने की। सुबह 6:30 बजे जीरी किडिंग से दीफू और जीरी किडिंग से हमरेन जाने वाली दो बसों को चर्चिम गांव के पास रुकवाकर कुछ अनजान लोगों ने सिर्फ कार्बी जाति के लोगों की चुन चुन कर हत्या की और फिर दोनों बसों को जला दिया गया। एक मामूली से विवाद को लेकर कार्बी और डिमाशा में जातीय संघर्ष हुआ, जिसमें 41 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तब से प्रत्येक साल 17 अक्टूबर के दिन चर्ची में यहाँ के अलग अलग जाति के लोग उनके शहीद वेदी पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। 13 साल बीत जाने के बाद भी इस मौके पे एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता गांव बूढ़ा समेत खेरनी फॉरेस्ट के रेंजर चंद्र सिंह टीसू भी मौजूद थे, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अलग अलग जातियों के साथ मिलजुल कर रहे, जिससे 2005 की तरह फिर घटना ना हो। ये चर्चिम प्रीसे का एरिया है, यहाँ पे जो 2005 17 अक्टूबर 80 के दिन है, जहाँ पे एक बुरा सा हादसा हुआ था। उसी समय जो हादसा हुआ था, जो दो बस में जो हत्या किया गया था, वो अग्रवंती लोग ने, वो लोग कौन है कैसे है वो अभी तक गवर्नमेंट लोग ने अभी तक जांच भी नहीं किया है, अभी तक किसी ने भी पता ही नहीं किया, वो केस अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी दुनिया में इतना चल रहा था ये बात को लेकर, ये कार्बी और दिमासा दोनों जाति का जो क्लैश हुआ था, जाति के बीच में जो हुआ था बोल के बोल रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो बात नहीं था होगा, लेकिन वो बात तो अभी तक कोई नहीं बोल सकता। ये फिर भी हम यहाँ पे हर साल आज से लेकर ये 13 साल का ये चल रहा है, यहाँ पे जो शांति रखने के लिए सब जाति लोग यहाँ आकर हम लोग हर साल में इसी दिन उसी दिन का जो हत्या हुआ था इन लोगों का जो आत्मा को शांति रखने के लिए, और जहाँ पे इस जिला में जितने लोग हैं और आसपास में जो जितने जिले के जितने जाति लोग हैं, कार्बी हो डिमासा हो या कोई भी जितने जाति लोग हैं, इन लोगों को शांति रखने के लिए ये हर साल आसी के दिन में हम लोगों ने ये आयोजन किया जाता है। कितने लोगों का निर्मम हत्या हुआ उसी दिन 41 जन का हुआ था दो बस में ही हुआ था उसी दिन में। देट वॉज अ वेरी बर्बरिक इंसिडेंट जो मैसेकियर हुआ था, ये दुख की बात है बोलने से, और इसलिए ये जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये उन लोगों का आत्मा को शांति रखने के लिए हम लोग ये चलता रहेगा। ये हम लोग का जो नेशनल मॉर्निंग एक कमिटी से ये ऑब्जर्व करता रहेगा, और इसे मैं सब लोगों को और हर जाति को यहाँ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये कार्बी डिमासा इन लोगों को भी ये यहाँ से कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ था, जो हत्या हुआ था, ये सिर्फ ये जाति के बात नहीं है, जो टेररिस्ट लोग हैं उन लोगों का कोई जाति नहीं होता है, इन लोगों का कोई रिलीजन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों का जितना गांव वाला लोग है, जितना जनजातीय लोग है, हम लोग पहले जैसे एक जैसा होना चाहिए, सब लोग आकर यहाँ पे भी तो ऑब्जर्व करना चाहिए। एक खास तौर कर मैं डिमासा साथियों लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे आए और इसी इंसिडेंट के जगह में आप लोग भी आकर यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने के लिए आए।